नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है अपनी क्षमता पहचानो। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर खाली बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने पर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा हैं। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उसके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सब के भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानता वश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। तो यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।